अब एक पूरा आपके स्पेस क्रिएट होगा दिमाग में कि उसके अंदर सब कुछ कंप्लीटेड है, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी उस टाइम आपके। अब अपन को क्या करना है कि कंप्लीट होने से काम नहीं चलेगा भाई। कंप्लीट तो सब करवाते हैं, स्कूल वाले दो दो बार सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं जब रेगुलर क्लासेस होती है, फिर भी हर एक बच्चा 95% स्कोर नहीं कर पाता। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निकुल। आज की वीडियो क्लास 10 2021 का जो एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास 10 का पूरे हिस्ट्री के अंदर ये पहला बैच ऐसा है जिसने इतनी ज्यादा एडवर्स सिचुएशन फेस की है। ऑफलाइन मोड में क्लासेस कहीं पर भी ढंग से अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर अप नहीं करवाया गया और बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही पूरे थ्रू आउट द सेशन कि सेशन कब स्टार्ट होगा, एग्जाम्स की क्या डेट्स है, एग्जाम्स में पोस्टपोनमेंट है या फिर नहीं है, सिलेबस रिडक्शन की भी न्यूज आती रही बीच बीच में और अभी भी अनसर्टेनिटी सभी तरह की बनी हुई है। पर अभी आपकी एकेडमिक सिचुएशन जो भी है पूरे साल भर, भले आपके पर्सनल रीजंस के कारण या फिर जो हमारा पेंडेमिक है उसके रीजन से आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से अफेक्ट हुई है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3 महीने एक सफिशियंट अमाउंट है। कोई भी तरह का कोर्स हो आपकी 10th के अंदर, भले 30% रिडक्शन का हो चाहे 100% कोर्स अगर आपके आए, फिर भी 3 महीने के अंदर उसको अच्छे से किया जा सकता है अगर हम फोकस्ड और डेडिकेटेड रह के एक सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ में काम करें। तो आज की वीडियो के अंदर अगर आपका अभी लेवल 50% स्कोर करने का है, 60% स्कोर करने का है, 90% स्कोर करने का है, जो भी आपका लेवल है वो एक कंसिडरेबल लेवल तक इंक्रीज होने वाला है। इसलिए पूरी यही कोशिश करना कि इस वीडियो का आप एक भी पार्ट स्किप ना करें। और मैं ज्यादा लंबी करूंगा भी नहीं, कम टाइम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है आपको माइंड में रखनी चाहिए लास्ट 3 महीने के अंदर उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि क्लास 10th के अंदर 90% 95% 96% स्कोर करना एक बहुत बड़ी डील नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हर साल कर रहे हैं स्कोर और मैं भी ये चीज कर सकता हूं। और अभी आप जिस लेवल के अंदर हो, अगर आपका लेवल अभी 70% स्कोर करने का है तो भी आप 3 महीने बाद में 90% स्कोर कर सकते हो। अभी अगर आपका लेवल 60% स्कोर करने का तो भी आप 3 महीने बाद में 90% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 10th के लेवल में आप अगर फोकस्ड रह के 3 महीने तक अच्छे एफर्ट्स लगाते हो तो कोई बड़ी डील नहीं है 90% से ऊपर स्कोर करना। इवन मेरी भी स्टोरी यही है, मैंने भी लास्ट के जो 2.5 महीने थे उसके अंदर एकदम 100% दे दिया था मेरा और दिमाग में मेरे था ही नहीं कि मेरे को 90 लाने, 95 लाने, 80 लाने, 85 लाने, कुछ भी नहीं था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात बिठा रखी थी कि मुझे मेरा 100% देना है। तो मैंने लास्ट के 2.5 महीने तक रेगुलरली 6 घंटे 7 घंटे 8-8 घंटे 10th के लेवल में पढ़ा था। पूरे साल भर कोई इतनी कंसिडरेबल पढ़ाई नहीं की थी पर लास्ट में एकदम डेडिकेटेड और फोकस्ड होकर पढ़ाई की थी। अब ये वाला जो रूल है केवल 10th के लिए अप्लीकेबल है, 11th 12th के अंदर इस रूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब बात करते हैं अपन, यार ठीक है भैया हम डेडिकेटेड रहेंगे फोकस्ड रहेंगे, अब इसके अंदर आपकी दिक्कत क्या आएगी? पिछले जो 6 महीने आपके बीते हैं आपने जो भी गलतियां की है या फिर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, पेंडेमिक के कारण या फिर आपकी क्लासेस रेगुलरली नहीं उसके कारण, टेस्ट सीरीज कोई नहीं हुई, आपके असेसमेंट के एग्जाम्स नहीं हुए, इस रीजन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है इस वीडियो के बाद में सारी शॉर्ट आउट हो जाएगी, इनको शॉर्ट आउट करने के एकदम गजब के तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले अपन को करना है जो गिरा हुआ कॉन्फिडेंस है हमारा उसको बूस्ट करना है। अब इसको बूस्ट कैसे किया जाए, अपन को क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है और पेन लेना है। जितना भी आपका सिलेबस है 10th का उसके अंदर 30% रिडक्शन हो चुका है, अभी भी अनसर्टेनिटी और रिड्यूस हो सकता है। अब उस अनसर्टेनिटी को आगे आने वाले 3 महीने तक साइड में रख देंगे अपन, कोई भी ऐसी न्यूज आएगी अपन को पता चल जाएगा उस टाइम अपन उन और टॉपिक्स को हटा देंगे, पर एज ऑफ नाउ अपन को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं 30% रिडक्शन के अलावा। तो अपन ने पेन लिया, पेपर लिया, उसके ऊपर जितने भी आपके चैप्टर्स है उनको अपन ने सीरियल वाइज लिख दिया। मैथ्स से मान लो पहला सब्जेक्ट में लिया मैथ्स, तो मैथ्स ऊपर लिखा और रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के सब टॉपिक्स पहले हेडिंग लगा लिया अपन, रियल नंबर्स फिर रियल नंबर्स के जो भी सब टॉपिक्स है उनको लिख लिया। अब रियल नंबर के अंदर जो भी सब टॉपिक्स हटे हुए हैं उनको अपन नहीं लिखेंगे, जो जो टॉपिक्स उसके अंदर आ रहे हैं हमारे कोर्स में 2021 के अंदर उनकी को लिखेंगे। अब मैं आपको लिखने का इसलिए बोल रहा हूँ, आप कहोगे भैया प्रिंट आउट करवा लेंगे या फिर हमारी जो रिफ्रेशर उसके अंदर आगे पढ़ा उसके अंदर देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। कॉन्फिडेंस बूस्ट देखने से नहीं होगा, लिखने से होगा। पूरे सिलेबस को अपन को लिखना है। अब लिखने के बाद में क्या होगा, लिखने से क्या होगा, लिखने से तो कुछ नहीं होगा, 10 बार लिख लूंगा ऐसे तो मैं। अब लिखने के बाद में क्या करना है कि आपने पूरे टाइम में अभी तक आपके जितने भी 10th क्लास के लेक्चर्स हुए हैं, जहीं जहां से भी आपने टीचिंग ली है या फिर सेल्फ स्टडी की है, उसके अंदर कितने चैप्टर्स की टीचिंग आपने कर ली पहले वो देखो,
कि यार मैं केवल आपको मैथ्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, इनमें से रियल नंबर मेरे हो रखा है, इसकी मैंने टीचिंग ले रखी है। अब अपने आप से पूछो कि क्या रियल नंबर के सारे सवाल मैंने एक बार मेरे हाथ से निकाल रखे, एनसीईआरटी में रियल नंबर की सॉल्व कर रखी है? अगर हाँ तो डबल टिक कर दो रियल नंबर की जगह। फिर एक और सवाल पूछो अपने आप से कि क्या अगर रियल नंबर का कोई भी सवाल आता है उसको मैं एग्जाम में आसानी से करने के लिए तैयार हूं? अगर आप तैयार नहीं हो तो अपन को ट्रिपल टिक नहीं करना, अगर तैयार हो तो उसके ऊपर ट्रिपल टिक कर दो। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे ट्रिपल टिक आके हो जाते हैं, इसका मतलब आप उस चैप्टर से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये चैप्टर तो मेरा सिक्योर है। अब आपके माइंड में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ यार रियल नंबर मेरा एक सिक्योर चैप्टर में आ गया, लीनियर इक्वेशन मेरा सिक्योर चैप्टर में आ गया, अब मेरे को बचा हुआ कौन सा है? पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल तो भैया मैंने टीचिंग ही नहीं ली अभी तक। अब अगर आपने उसकी टीचिंग नहीं ली तो अपन को एक्सक्यूज क्रिएट नहीं करने, पॉलिनोमियल को कंप्लीट कैसे करना है इसके ऊपर काम करना है। आपके स्कूल के टीचर उनसे कांटेक्ट करो, कंसल्टेशन क्लासेस स्टार्ट होगी वैसे पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जगह, तो वहां पे जाके स्कूल में जाके उनको डाउट्स पूछो या फिर एक्स्ट्रा टाइम लेके उनसे वो क्लास करो। बाकी यूट्यूब के ऊपर हर चीज अवेलेबल है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं से कर सकते हो। तो कैसे भी करके अपन को उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब आपके दिमाग में एक स्पेस क्रिएट हो गया यार ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीटेड है और ये चैप्टर्स मेरे अभी बाकी है, तो माइंड में आपको दिखना चाहिए हर टाइम कि यार मैथ्स में अभी तक मेरे 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, मैथ्स में अभी तक 5 चैप्टर्स पढ़े हैं, साइंस में अभी ये 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में हर टाइम चलनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा और एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कोर्स को कंप्लीट करने की फटाफट। तो देखो पहली टिप तो ये होगी कि अपन को सबसे पहले अपने सिलेबस को लिखना है और ये निकालना है कि यार कौन कौन से चैप्टर मेरे नहीं हो रखे, कौन कौन से मेरे अच्छे से हो रखे हैं, और जो नहीं हो रखे उनके ऊपर काम करना है और उनके ऊपर ट्रिपल टिक के लेवल में उनको पहुंचाना है। देखो स्टार्टिंग में अपन ने 3 महीने का समय लिया था, 3 महीने में से जो मैक्सिमम अपन 1.5 महीने ऐसे रख देंगे जिसके अंदर जितना भी कोर्स हमारा बाकी उसको कंप्लीट करना है, जितने भी रिसोर्सेज का यूज करना पड़े अपना 100% देके आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है हर हालत में। 1.5 महीने एक मैक्सिमम लिमिट है, जितना कम हो सकता है उतने कम टाइम में कीजिए। अगर आपका कोर्स अभी 60% हो रखा तो आपको हो सकता है 1 महीना ही लगे, हो सकता है 15 दिन में ही आप खत्म कर दो अगर आपका मैक्सिमम कोर्स हो रखा है अभी तक। तो वो आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किस तरह से अपन को कोर्स करना है उसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा अलग से वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर तो आपको करना क्या है पहले उसके ऊपर देखते हैं, उसको कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा। तो ये चीज अपन को करनी है यार 1.5 महीने में कोर्स को कंप्लीट करना, मतलब 10th का जितना भी सिलेबस है आज से 1.5 महीने के बाद में मेरे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार 10th का बोर्ड का सिलेबस मैंने जितना भी था मेरा वो खत्म कर दिया है। अब एक पूरा आपके स्पेस क्रिएट होगा दिमाग में कि उसके अंदर सब कुछ कंप्लीटेड है, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी उस टाइम आपके। अब अपन को क्या करना है कि कंप्लीट होने से काम नहीं चलेगा भाई, कंप्लीट तो सब करवाते हैं स्कूल वाले, 2-2 बार सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं जब रेगुलर क्लासेस होती है, फिर भी हर एक बच्चा 95% स्कोर नहीं कर पाता। अब बोर्ड में टॉप वो करेगा जो मैक्सिमम टाइम्स उसको रिवाइज करेगा, तो कम से कम अपन को 1 महीना रिवीजन के अंदर बिताना है। रिवीजन के अंदर अपन को उन टॉपिक्स को सबसे पहले लेना है जिनको अपन ने सेशन के स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया था, जो हमने इस 1.5 महीने की स्टार्टिंग में किया उनको नहीं करना, जो अपने सेशन की स्टार्टिंग में किया पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रोसीड होते रहेंगे वापिस अपन जो टॉपिक्स रिसेंट में किए वहां तक पहुंचेंगे। अब रिवीजन के अंदर ये नहीं कि एनसीईआरटी शुरू से लेकर एंड तक वापिस पढ़नी है, जो भी आपके टीचर के नोट्स है उनको रिवाइज करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्कूल वालों ने बता रखे हैं उनको देखो, और प्रीवियस ईयर सवाल उस चैप्टर से रिलेवेंट जो भी है उसको अपन को करना है। रिवीजन वाला हमारा जो पॉइंट है वो कंप्लीट होने के बाद में जो थर्ड चीज आती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसको इज्जत दी जाती है, 10th के लेवल में बात कर रहा हूँ। बहुत से स्कूल्स के अंदर और कोचिंग्स के अंदर इतना ज्यादा इंसिस्ट किया जाता है कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो 10th के, पर एक्चुअल में 10th के अंदर ज्यादा टेस्ट देने वाला बंदा कभी भी 90 से ऊपर 95 से ऊपर स्कोर करने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपको उन्हीं चीजों को कवर करवाया जाता है जो इंपॉर्टेंट चीजें और हर साल आ रही है, वही चीजें बार बार रिपीट होगी टेस्ट के अंदर। तो टेस्ट को देख के या फिर ज्यादा क्वांटिटी टेस्ट की देख के आप 85 तो स्कोर कर लोगे, 80 स्कोर कर लोगे, पर अगर आप 95 या फिर जो टॉप 1% है उसके अंदर आना चाहते हो तो केवल टेस्ट सीरीज से नहीं आ सकते। टेस्ट सीरीज भले आप कम दो, ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, पर एक शर्त जो आपकी पूरी होनी चाहिए कि कोर्स आपका सारा कंप्लीटेड होना चाहिए, एक एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है वो आपका एटलीस्ट नॉर्मल लेवल में एनसीईआरटी लेवल में कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर इतना भी अगर आपका है तो आप आराम से 95 से ऊपर क्रॉस कर सकते हो, पर केवल आप सोच रहे हो यार कोर्स तो 60-70% कर लें और जितने उतने प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे दें, कितने ही कर लो आप,
85 से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपका कोर्स कंप्लीटेड है फिर कोई लिमिट नहीं, आप जितना टेस्ट देना देते रहो, ठीक है। अब जो लास्ट 15 दिन अपन लेते हैं उसके अंदर अपन देंगे टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज के अंदर ये नहीं कि अपन को कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज खरीदनी, या फिर स्पेशली मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि जो स्कूल वाले या फिर जो कोचिंग वाले आपको टेस्ट सीरीज देंगे उसके अंदर वो अपनी तरफ से कुछ हार्ड हार्ड क्वेश्चन डालेंगे, अपनी तरफ से डिजाइन करके देंगे उस टेस्ट सीरीज को। तो अगर आपकी तैयारी इतनी ज्यादा अप टू द मार्क नहीं है तो अपने कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए उन टेस्ट को मत दे। अगर कोई स्कूल वाले दे रहे हैं तो ठीक है आप टेस्ट दे दो, पर उसका जो स्कोर आ रहा है उसको दिल पे मत लेना, क्योंकि वो टेस्ट थोड़े हार्ड लेवल के बनाएंगे। अपन को क्या करना है, जो पिछले 5 साल के पेपर है वो उठा लेंगे, कोई भी बुक खरीद दो पिछले 5 साल के पेपर की, या फिर ऑनलाइन कोई भी पोर्टल पे आपको 5 साल के पेपर आसानी से मिल जाएंगे टेंथ के, उन पेपर्स को ले लिए, प्रिंट आउट निकालिए उनके, और 5 साल के पेपर को टाइम फ्रेम सेट करके सॉल्व करना है। बस इतना सा काम करना है टेस्ट सीरीज के नाम पे, बाकी इतना कोई फालतू का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज लो वो टेस्ट सीरीज से स्कोर बूस्ट होगा, कुछ नहीं है ऐसा। एक बार कोर्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया तो फिर अगर आप टेस्ट सीरीज के नाम पे केवल एक या दो टेस्ट करते हो, एक या दो प्रैक्टिस पेपर देते हो, वो भी मोर देन सफिशियंट है। तो ये यार तीन एक बेसिक टिप्स होती है यार एक अच्छा स्कोर करने के लिए। आप अभी जिस भी लेवल पे हो उससे 10% 20% अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हो, और अपना पोटेंशियल का 100% अगर आपने यूज कर लिया आगे आने वाले 3 महीने तक, तो आपका ड्रीम स्कोर आसानी से अचीव हो सकता है। अपन को अपना बेस्ट देना आगे आने वाले 3 महीने तक, कोई भी तरह की डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और खुद का 100% देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय।